नमस्कार, आप देख रहे हैं जीओवी न्यूज। तो वक्त हो गया है सुबह की ताजा बड़ी खबरों को जानने का। तो उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बटन को जरूर दबा दें ताकि हम जो भी वीडियो डालें आप तक पहुंचते रहे। आईएनएक्स मीडिया केस में सीबीआई कोर्ट ने 19 सितंबर तक पी चिदंबरम को तिहाड़ जेल भेजा। आईएनएक्स मीडिया मामले में दिल्ली की राउंड रेवेन्यू कोर्ट ने पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। वे अब 19 सितंबर तक तिहाड़ जेल में रहेंगे। चिदंबरम ने जेल में अलग सेल की मांग की थी, जिसके बाद से पूर्व वित्त मंत्री की तरफ से जेड सुरक्षा की मांग की गई थी। सोलिसिटर जनरल ने आश्वासन दिया है कि जेल में चिदंबरम के लिए पर्याप्त सुविधा होगी। चिदंबरम की जेड सुरक्षा का ख्याल रखते हुए अदालत ने उन्हें अलग कोठरी में रखने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि जेल में चिदंबरम को दवाई भी दी जाएगी और जेल में उन्हें वेस्टर्न टॉयलेट मिलेंगे। आपको बता दें कि चिदंबरम की सीबीआई हिरासत खत्म हो रही थी, जिसके बाद से उन्हें कोर्ट में पेश किया गया था। सीबीआई कोर्ट ने कहा था कि चिदंबरम एक ताकतवर नेता है, उन्हें छोड़ा नहीं जाना चाहिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान, कहा भारत अपनी सुरक्षा के लिए ताकत का इस्तेमाल करने से पीछे नहीं हटेगा। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में रक्षा वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि भारत खुद की सुरक्षा के लिए ताकत का इस्तेमाल करने से पीछे नहीं हटेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दो देशों की यात्रा के अंतिम चरण के तीसरे दिन के आधिकारिक दौरे पर दक्षिण कोरिया में है। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत अपने इतिहास में कभी भी आक्रामक नहीं रहा है और न कभी होगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि भारत खुद की सुरक्षा के लिए ताकत का इस्तेमाल करने से पीछे हटेगा। रक्षा कूटनीति भारत के रणनीति टूलकिट का मुख्य स्तंभ है और मजबूत रक्षा बलों को बनाए रखना एक सिक्के के दो पहलू हैं। प्रियंका गांधी का बड़ा फैसला, यूपी में बिजली दरों में बढ़ोतरी के खिलाफ लालटेन यात्रा निकालेगी कांग्रेस। यूपी में बिजली बिल बढ़ाए जाने के खिलाफ प्रियंका गांधी ने लालटेन जलाने का फैसला किया है। कांग्रेस की तैयारी राज्यभर में विरोध प्रदर्शन करने की है, वो भी चार दिनों तक। प्रियंका गांधी के ऑफिस में पार्टी के सभी बड़े नेताओं को संदेश दे दिया गया है और यह भी कहा गया कि इस अभियान में सभी जुटे। पिछले कुछ दिनों में प्रियंका गांधी ने यूपी के नेताओं को दिल्ली बुलाकर के बैठक कर रही थी। ऐसे ही मीटिंग के दौरान यह बात सामने आई कि बिजली को लेकर के कुछ तो करना चाहिए। नेताओं ने बताया है कि बिजली दर से जनता बहुत परेशान है। इसके बाद प्रियंका गांधी ने चार दिनों के विरोध प्रदर्शन कार्यक्रम का ऐलान कर दिया। विरोध प्रदर्शन के पहले दिन कांग्रेस यूपी में लालटेन यात्रा निकालेगी। राज्य के सभी शहरों के बाजार और चौक चौराहों पर यात्रा निकाली जाएगी। पार्टी के कार्यकर्ताओं को अभी से लालटेन का इंतजाम करने को कहा गया है। शाम 7 बजे लालटेन जरा करके कांग्रेस के कार्यकर्ता योगी सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरेंगे। हो चुका है विचार, देंगे उखाड़ कहीं की नहीं रहेंगे नीतीश कुमार। बिहार में जनता दल यूनाइटेड के एक नारा लिखे होर्डिंग लगने के बाद ही राज्य में स्लोगन पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। कोई भी दल इस राजनीति से पीछे नहीं हटना चाह रहा है। राजनीतिक दल सोशल मीडिया पर भी स्लोगन के जरिए विरोधियों पर हमला कर रहे हैं। सत्ताधारी जेडीयू ने पटना स्थित कार्यालय में एक होर्डिंग लगाया है, जिस पर नारा लिखा है क्यों करे विचार, ठीक है तो नीतीश कुमार। जेडीयू का यह नारा लोगों के बीच जब आया तो लोग मानते हैं कि बिहार नई ऊंचाइयां छू रहा है, तब अन्य लोगों पर विचार करने की क्या जरूरत है। पार्टी के सचिव रविंद्र कुमार सिंह पार्टी के नारे को हिट बताते हुए कहते हैं कि पार्टी इस नारे के जरिए लोगों को जो संदेश देना चाहती थी वह देने में कामयाब हुई है। उन्होंने कहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव तक पार्टी द्वारा और भी नारे संदेश दिए जाएंगे। इसी बीच जनप्रतिनिधि पार्टी के प्रमुख और पूर्व सांसद पप्पू यादव ने ट्वीट करके नीतीश कुमार पर सीधा निशाना साधा है और लिखा है, हो चुका है विचार, देंगे उखाड़ कहीं की नहीं रहेंगे नीतीश कुमार। अयोध्या केस में मुस्लिम पक्षकार के वकील बोले, निर्मोही अखाड़े को राम चबूतरा पर पूजा करने का अधिकार। अयोध्या केस में 20वें दिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हुई। गुरुवार को मुस्लिम पक्षकार के वकील राजीव धवल ने कहा है कि राम चबूतरे पर पूजा और पूजा का अधिकार कभी मना नहीं किया गया। विवाद पूरे जमीन के स्वामित्व को लेकर के है। राजीव धवल की दलील पर जस्टिस नजीर ने पूछा है, आप तो यह मान रहे हैं कि आप और निर्मोही अखाड़ा उस जगह पर साथ साथ मौजूद थे। राजीव धवल ने फिर कहा है कि हमने कभी यह नहीं कहा है कि निर्मोही अखाड़े का मालिकाना हक था। मालिकाना हक हमेशा से सुन्नी वक्त बोर्ड के पास था है। धवल ने कहा है कि राम चबूतरे पर निर्मोही अखाड़ा पूजा कर रहा है और हम यह मानते हैं कि उसका उस जगह पर पूजा करने का अधिकार है। राजीव धवल ने 1980 के एक मुकदमे का जिक्र करते हुए कहा है कि दोनों उपासकों को ओर से एक पूजा का अधिकार मांग रहे हैं, दोनों ही प्रबंध और प्रभार के अधिकार क्यों मांग रहे हैं। जियो फाइबर के प्लान हुए लॉन्च, 699 रुपए में मिलेगा बेसिक पैक। रिलायंस जियो की तरफ से फाइबर सर्विस की प्लान की घोषणा कर दी गई है। जियो फाइबर के 3 साल पूरे होने पर फाइबर सर्विस को लॉन्च किया गया है। पहले से दी गई जानकारी के मुताबिक जियो फाइबर सर्विस की प्लान की घोषणा शुरुआत 699 रुपए से होगी, जबकि कंपनी का सबसे महंगा प्लान 8,499 रुपए होगा। जियो फाइबर फ्री एलईडी टीवी का इंतजार कर रहे यूजर्स को अभी वेलकम प्लान के लिए और इंतजार करना पड़ सकता है। क्या सचिन पायलट को राजस्थान कांग्रेस पद से हटा देना चाहिए। राजस्थान के विधानसभा चुनाव के बाद जब नतीजे आए तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कहना शुरू कर दिया था कि अशोक गहलोत ने बीजेपी को तो हरा ही दिया है, साथ ही कांग्रेस को भी हरा दिया है। इसकी बड़ी वजह थी कि विधायकों की संख्या सिर्फ 100 तक पहुंच गई थी। राजस्थान के मुख्यमंत्री बनने को लेकर के 3 दिन बाद तक अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच फैसला नहीं हो पाया था। आखिर में सचिन पायलट रेस से बाहर हो गए थे और अशोक गहलोत ने तीसरी बार राजस्थान के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। सूत्रों के मुताबिक अब अशोक गहलोत एक बार फिर से सचिन पायलट को राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष पद से
पटकनी देना चाहते हैं। यह सिलसिला तब शुरू हुआ जब सोनिया गांधी कांग्रेस की अध्यक्ष बनी, एक व्यक्ति एक पद की बात होने लगी थी। राजस्थान की सियासत में इस बात की चर्चा जोरों पर है कि क्या सीएम अशोक गहलोत उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट को राजस्थान कांग्रेस पद से हटाना चाहते हैं। करतारपुर कॉरिडोर पाकिस्तान वीजा फीस वसूलने की बात पर अरब भारत ने कहा आवाजाही निःशुल्क। करतारपुर कॉरिडोर पर पाकिस्तान और भारत अधिकारियों के बीच तीसरे दौरे की बातचीत हुई, जिसमें से कुछ बातों पर दोनों देशों ने राजामंदी नहीं दिखाई। भारत श्रद्धालुओं की आवाजाही पर पूरी तरीके से निःशुल्क चाहता है, लेकिन पाकिस्तान वीजा फीस वसूलने की बात पर अड़ा हुआ है। करतारपुर साहिब कॉरिडोर को लेकर के भारत और पाकिस्तान के बीच अधिकारियों ने कल भारत के बॉर्डर इलाके अटारी में बातचीत हुई थी। नवंबर 2018 में भारत और पाकिस्तान ने करतारपुर में गुरुद्वारा दरबार साहिब को जोड़ने वाला गलियारा बनाने पर सहमति जताई थी। करतारपुर पाकिस्तान के नौनोवाल जिले में रावी नदी के पास डेरा बाबा नामक से करीबन 4 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। महाराष्ट्र में अभी तक बीजेपी शिवसेना के बीच गठबंधन के फॉर्मूले पर सहमति नहीं, प्रधानमंत्री मोदी के दौरे के बाद बन सकती है बात। महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना गठबंधन की घोषणा की संभावना की चर्चा राजनीतिक गलियारे में की जा रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बीजेपी और शिवसेना के बीच पहले चरण की बातचीत हो चुकी है, जिसमें बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के दौरे वाले फॉर्मूले पर राजामंदी नहीं बनाई है। बीजेपी ने इस फॉर्मूले में बीजेपी को 160, शिवसेना को 110 और मित्र पक्षों को 18 का फॉर्मूला शिवसेना के सामने रखा गया है, जिसे शिवसेना ने नामंजूर कर दिया है। लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि 7 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महाराष्ट्र दौरे के बाद इस फॉर्मूला पर मुहर लगाई जा सकती है। साल 2019 में फिलहाल एक साथ चुनाव लड़ने को लेकर के बीजेपी और शिवसेना दोनों ही हां का राग अलाप रही है, लेकिन क्या गठबंधन टिकेगा, इस सवाल का जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महाराष्ट्र दौरे के बाद ही मिल पाएगा। नितिन गडकरी ने कहा है कि पेट्रोल डीजल कारों को बैन नहीं करेगी सरकार, ऑटो शेयरों में आएगा बड़ा उछाल। केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने पेट्रोल और डीजल व्हीकल को लेकर के बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि इस पर चर्चा चल रही है और मंत्रालय को सुझाव मिला था कि पेट्रोल और डीजल गाड़ियों पर प्रतिबंध करना चाहिए। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि सरकार का पेट्रोल डीजल गाड़ियों पर बैन करने का कोई इरादा नहीं है, हम ऐसा कुछ नहीं करने जा रहे हैं, लेकिन प्रदूषण को कम करना हमारी प्राथमिकता है। BS6 वाहनों के चलते प्रदूषण कम होगा। इस खबर के बाद ऑटो सेक्टर की कंपनियों में जोरदार तेजी आएगी। निफ्टी के ऑटो इंडेक्स में शामिल सभी 1-5% तक की तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं। 7 सितंबर को मोदी सरकार 2.0 के 100 दिन पूरे हो जाएंगे, इस तरह सरकार गिनाएगी उपलब्धियां। नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने वाले हैं। 7 सितंबर को मोदी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने के अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित करने जा रहे हैं, इसलिए शीर्ष मंत्रियों को संपादकीय लिखने के लिए कहा गया है, जो कि दैनिक समाचार पत्रों में दिखाई देगा। 8 सितंबर को सरकार द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी उपलब्धियों के बारे में देश को बताया जाएगा। 9-10 सितंबर को केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के नेता देश के कई शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जिसमें से 100 दिनों पर फोकस यह होगा कि इसका एक मजबूत निष्कर्ष सरकार के रूप में ट्रिपल तलाक और अनुच्छेद 370 को निरस्त करने जैसे निर्णय शामिल होंगे। ऐसा माना जा रहा है कि सरकार आर्थिक मोर्चे पर भी कई बड़ी घोषणाएं कर सकती है। 11 सितंबर से स्वच्छ अभियान मिशन की शुरुआत होगी, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस 17 सितंबर तक चलेगा। चंद्रयान 2 मिशन की सफलता के लिए वाराणसी के साधुओं बटकों ने किया खास अनुष्ठान। अंतरिक्ष में अपना परचम लहराकर इतिहास रचने जा रहे भारत और भारत के अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के लिए 6 सितंबर का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। चंद्रयान 2 लैंडर विक्रम चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव के पास लैंड करेगा। चंद्रयान 2 सफलता के साथ अपने मिशन को पूरा करने के लिए धर्म की नगरी कहे जाने वाले वाराणसी में साधु संतों और बटकों ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ यज्ञ हवन और पूजा करके ईश्वर की प्रार्थना की है। अपने हाथ में देश का राष्ट्रीय ध्वज लिया और चंद्रयान 2 की सफलता के पोस्टर लेकर के ईश्वर की शरण में बैठ करके प्रार्थना कर रहे साधु संत और बटको चाहते हैं कि लैंडर विक्रम चंद्रमा की सतह पर सफलता पूर्वक उतरे और इसरो को हर सफलता मिले। IRCTC से ऑनलाइन टिकट बुक कराना 1 नवंबर से होगा 50% सस्ता। IRCTC के जरिए ट्रेन टिकट बुकिंग कराना अब महंगा सौदा हो गया है। इस महीने से IRCTC के सभी रेल टिकट्स पर सर्विसेज चार्जेस लेना शुरू कर दिए हैं। रेलवे की नॉन AC ट्रेन टिकट बुक कराने पर 15 रुपए और AC क्लास पर 30 रुपए चार्ज लिया जा रहा है। यह सर्विस GST से अलग लिए जाएंगे। इसके साथ ही अगर आप भीम ऐप से टिकट पर पेमेंट करेंगे तो 1 नवंबर से यह चार्ज कम हो जाएगा। सरकार ने 3 साल पहले ही IRCTC के जरिए ट्रेन टिकट बुकिंग कराने पर सर्विसेज चार्ज खत्म कर दिए थे, लेकिन डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के मकसद से ऐसा किया जा रहा है। उस वक्त नॉन AC के टिकट पर 20 रुपए और AC के टिकट पर 40 रुपए चार्ज लिए करते थे। NRC विवाद पर ओवैसी के बयान पर हेमंत बिश्व शर्मा का पलटवार, पूछे भारत में नहीं हो तो कहां होगी हिंदुओं की रक्षा। असम में राष्ट्रीय नागरिक पंजी की सूची जारी होने के बाद से असदुद्दीन ओवैसी और हेमंत बिश्व शर्मा के बीच तीखी बयानबाजी देखने को मिल रही है। दोनों नेताओं ने NRC को लेकर के ट्वीट के जरिए अपनी राय रखी। ओवैसी ने जहां NRC को प्रयोग राज्य से मुसलमानों को बाहर करने के लिए बताया, तो शर्मा ने NRC की अंतिम सूची से गड़बड़ी के शक को लेकर के कहा है कि हर हाल में हिंदुओं की रक्षा की जाएगी। NRC की अंतिम सूची में हिंदुओं के बाहर किए जाने पर हेमंत बिश्व शर्मा ने कहा है कि अगर भारत में हिंदुओं की रक्षा नहीं होगी तो कहां होगी। पाकिस्तान में भारत हमेशा सताए गए हिंदुओं का घर रहेगा, भले ही आप इस पर विरोध क्यों ना करें सर।
आजम खान को बड़ा झटका, जमानत याचिका हुई खारिज। समाजवादी पार्टी के सांसद और उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री आजम खान को एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है। रामपुर के जनपद न्यायालय ने आजम खान को जमानत याचिका को बर्खास्त कर दिया है। आजम खान पर आरोप है कि जौहर विश्वविद्यालय के लिए जमीन लेने के लिए उन्होंने कई किसानों पर झूठे मुकदमे लगवाने की धमकी देकर के दबाव बनाया है। 5 किसानों ने आरोप लगाया है कि आजम खान ने उन्हें हवालात में बंद करने और झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देकर के जमीन कब्जाई है। उन्हीं 5 किसानों ने आजम खान के खिलाफ मुकदमे दर्ज कराए थे। इस मामले में आजम खान ने रामपुर की जिला जज में अदालत में जमानत की अर्जी दी थी, लेकिन अदालत ने उनकी अर्जी को खारिज कर दिया है। आज का माइंड क्विज क्वेश्चन आ चुका है, प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? इसका जल्दी से सही आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। और अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि देश दुनिया की सारी खबरों से रह सके अपडेट।